प्रशांत भूषण साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। पेशे से वकील प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने अन्ना आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए खूब दान किया। बाद में जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसे भी सबसे बड़ी रकम 2 करोड़ रुपए दिए। उस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। कहते हैं इसी आंदोलन ने मनमोहन सरकार की हार की कहानी लिख दी थी, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। एक तरह से प्रशांत भूषण ने बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया था। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 9 साल पुराने आंदोलन की याद क्यों दिलाई। इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल खबर को आगे बढ़ाते हैं। कर्णन वर्सेज भूषण, आजकल यही दोनों पर्सनैलिटीज देश की राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। 24 अगस्त को उन पर फैसला आएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशांत भूषण को ही घेर लिया है। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया था। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने उस समय जस्टिस कर्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मनमानी कार्रवाई का समर्थन किया था। आपको उनका पुराना ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो एक दलित जज पर हुई एक तरफा कार्रवाई को जायज ठहराते हैं। 9 मई 2017 को अपने ट्वीट में प्रशांत भूषण लिखते हैं, खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कर्णन को कोर्ट के अवमानना केस में जेल भेज दिया। उन्होंने जजों पर ओछे आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अनर्गल ऑर्डर पास किए। आज खुद को अभिव्यक्ति की आजादी के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे भूषण ने उस समय जस्टिस कर्णन के नाम के सामने जस्टिस लगाना भी जरूरी नहीं समझा था। लेकिन प्रशांत भूषण के मामले ने जस्टिस कर्णन के साथ हुए भेदभाव और तथाकथित प्रगतिशील लोगों की जातिवादी मानसिकता की पोल खोलकर रख दी है। जो लोग आज प्रशांत भूषण को सुपर हीरो बता रहे हैं, वही लोग जस्टिस कर्णन के मामले में चुप्पी साधे हुए थे। प्रशांत भूषण के बचाव में 3000 से ज्यादा वकील और पूर्व जज सामने आ गए हैं। देश में हल्ला मचने लगा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो गया, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान खतरे में है। लेकिन असल में खेल कुछ और ही है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था, तो मोदी सरकार के सरकारी वकील यानी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बेंच से कहा, मैं लॉर्डशिप से अनुरोध करूंगा कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए। प्रशांत भूषण ने बतौर वकील बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अब सवाल उठता है कि जो प्रशांत भूषण मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, उन्हीं प्रशांत भूषण को मोदी सरकार क्यों बचा रही है? क्यों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल प्रशांत भूषण को एक अच्छा आदमी बताते हैं? वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के इस ट्वीट से आपको इसका जवाब समझने में कुछ आसानी होगी। दिलीप लिखते हैं, क्यों अटॉर्नी जनरल जो कि मोदी सरकार के वकील हैं आपके पक्ष में बोल रहे हैं? मिस्टर भूषण, आप सिस्टम का अंदरूनी हिस्सा हैं, आप इन सब का अंग हैं। तो क्या मोदी सरकार प्रशांत भूषण को बचाकर उस एहसान को चुकाने की कोशिश कर रही है जो भूषण ने अन्ना आंदोलन के जरिए मोदी सरकार के लिए रास्ता साफ करने के लिए किया था? यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर नहीं तो प्रशांत भूषण उस समय जस्टिस कर्णन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब उन्होंने पूरी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था? प्रशांत भूषण का दिल उस समय क्यों नहीं पसीजा जब जस्टिस कर्णन से उनकी सारी न्यायिक शक्तियां छीन ली गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था? हालांकि प्रशांत भूषण ने इस बारे में फिर से एक जवाब दिया है। 21 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए प्रशांत भूषण फिर से बताते हैं कि कैसे जस्टिस कर्णन को जेल भेजना सही था। वो लिखते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों मैंने जस्टिस कर्णन की सजा का समर्थन किया था। कर्णन ने अनर्गल आरोपों के अलावा अपनी न्यायिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के जजों को जेल भेजने का फैसला सुनाया था। वो न्यायपालिका के प्रशासन में दखलअंदाजी कर रहे थे। इस ट्वीट में नई बात यही है कि इस बार भूषण ने जस्टिस कर्णन के नाम के आगे जस्टिस लिखा है, बाकी उनका स्टैंड वही पुराने वाला है। जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक सीलबंद लिफाफे में चिट्ठी भेजकर बताया था कि न्यायपालिका के कुछ जज भ्रष्ट हैं। उन्होंने एक तरह से विसल ब्लोअर का काम ही किया था,
लेकिन पीएमओ ने वो चिट्ठी उन्हीं जजों के पास भेज दी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, और फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि प्रशांत भूषण पीएमओ पर सवाल नहीं उठाते जिसने जस्टिस कर्णन की चिट्ठी आरोपियों को ही भेज दी थी, बल्कि वो यहाँ एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक दलित जज को फंसाने को जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने प्रशांत भूषण के ताजा ट्वीट पर उन्हें घेरते हुए कुछ कानूनी और जरूरी सवाल पूछे हैं। नितिन मेश्राम ने एक के बाद एक कुल 13 ट्वीट्स के जरिए प्रशांत भूषण को कानूनी दलीलों से जवाब दिया। हम उसका सार आपको बताते हैं। वो पूछते हैं, किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की शक्तियां छीन सकता है? अगर ऐसी कोई मिसाल है तो क्या ये गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं है? जस्टिस कर्णन कोई पुलिस अफसर नहीं थे कि भ्रष्टाचारी जजों के खिलाफ जांच करते और सबूत इकट्ठे करते। जस्टिस कर्णन ने पीएमओ से शिकायत की थी, लेकिन पीएमओ ने उसी सुप्रीम कोर्ट को ही भेज दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई जांच करने वाली अथॉरिटी है? क्या ऐसे आरोप कोर्ट की अवमानना कानून 1971 के किसी भी प्रावधान के तहत कोर्ट की अवमानना के तहत आते हैं? प्रधानमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजना कोई पब्लिकेशन नहीं है जो कोर्ट की अवमानना कानून 1971 के सेक्शन 2C के तहत अवमानना माना जाता हो, इसलिए जस्टिस कर्णन ने कोर्ट की अवमानना नहीं की थी। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब स्वतंत्र हाई कोर्ट भी है, लेकिन संसद द्वारा हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग चलाए बिना उसे हटाना क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला नहीं था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मशीनरी पर फेल हो चुका था, हाई कोर्ट के जज के पास सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इन हालातों के अंदर जस्टिस कर्णन का ऑर्डर ना ही गैरकानूनी था और ना ही बुरा, उन्हें मजबूरी में ये ऑर्डर पास करने पड़े। जस्टिस कर्णन ने बार बार कहा था कि वो जातिवाद का शिकार हुए हैं, उनके साथ जातिवाद किया जा रहा है, लेकिन प्रशांत भूषण ने जाति के सवाल पर एक शब्द नहीं बोला। लोग तो अब ये तक कह रहे हैं कि बतौर वकील प्रशांत भूषण ने दलित और ओबीसी समाज के लोगों को जेल भेजने का ही काम किया है। दिलीप मंडल इस बारे में लिखते हैं, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2G स्कैम सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें दलित मंत्री ए राजा जेल चले गए, तमिलनाडु की ओबीसी सांसद कनीमोझी भी जेल चली गई, मनमोहन सरकार बदनाम हुई और मोदी सरकार सत्ता में आ गई, फिर 2G में फैसला आया कि कोई घोटाला नहीं था, सभी बरी हुए, भूषण ने माफी मांगी। दिलीप लिखते हैं कि प्रशांत भूषण अपने पिता और भारत के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के साथ मिलकर काम करते हैं। SC ST के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने दलितों आदिवासियों के खिलाफ सवर्णों की ओर से पैरवी की थी, यानी प्रशांत भूषण एक तरफ शक्तिमान की तरह सुपर हीरो बनकर संवैधानिक मूल्यों को बचाते हुए दिखते हैं और फिर दूसरी तरफ गंगाधर बनकर उसी सिस्टम का हिस्सा भी बन जाते हैं। अन्ना आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी की मदद करने वाले प्रशांत भूषण की मदद अब मोदी सरकार कर रही है। यहां हम ये नहीं कह रहे कि प्रशांत भूषण पर हो रही कार्रवाई सही है, हम उनकी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी भी जाहिर नहीं कर रहे, हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित आदिवासी और पिछड़ों के साथ इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को हम सही नहीं मानते, क्योंकि बहुजन समाज के लोग आज प्रशांत भूषण के साथ खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का खुला विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत भूषण जैसे तथाकथित सवर्ण प्रगतिशील लोग ही बहुजन समाज के जस्टिस कर्णन जैसे व्यक्तियों के खिलाफ जातिवादी षड्यंत्र को जायज ठहराते हैं, इसलिए बहुजन समाज को ये खेल जरूर समझना चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें, और साथ ही आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट नंबर में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई।
आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर यूपीआई के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।